हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास कॉस फंक्शन में से थे आईलेट में से फर्स्ट इनवर्स फंक्शन, उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसको डिफरेंशिएट किया था। अब अगला जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन करने का वो फंक्शन कौन सा था? लॉगरिथमिक, IL, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। उससे अगला होता है अल्जेब्रिक। तो लॉगरिथमिक से पहले हम अल्जेब्रिक का करते हैं, क्योंकि अल्जेब्रिक का यूज होगा इसके अंदर, लॉगरिथमिक के अंदर। तो सबसे पहले अल्जेब्रिक काम कर लेते हैं। तो अल्जेब्रिक का मतलब ये था, उसमें हम किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन, जैसे ये आ जाए एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, इनवर्स जैसे ये भी इनवर्स से आसान है, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? हमने जनरल मेथड बताया था कि डी बाई डी एक्स 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 की पावर एन, दिस इज एन एक्स एन माइनस वन, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये एक मेथड था, इसे मेथड से हमने सभी डिफरेंशिएट किए थे, उसी मेथड से हम ये डिफरेंशिएट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या आएगा बेटा, पावर आगे आएगी टू, मीन्स ये क्या बनेगा एन, तो टू एक्स पावर में एक माइनस कर दें टू माइनस वन, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैंसिल, क्या बचेगा टू माइनस वन, क्या बचेगा 2x, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, तो डिफरेंशिएशन x के पावर 2 का 2x आया। ऐसे डिफरेंशिएशन अगले आ जाए 2x क्यूब को इसको डिफरेंशिएट करो, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वही बात है, 2 के कांस्टेंट टर्म में होता था, 2 कभी डिस्टेंस के साथ x के साथ कोएफिशिएंट के साथ चेंज नहीं होगा, तो 2 को बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन ओनली होगा वो किसका होगा x, और x की पावर क्या है 3, तो ये क्या बनेगा n, तो डिफरेंशिएट करें, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2 3 आ गया, x पावर में क्या डालोगे माइनस, तो 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2, तो 3 into 2 6, दिस इज c 6 x स्क्वायर। तो ऐसे ही उसको आगे करते चले जाएं, बस पावर को आगे मल्टीप्लाई करो और पावर में क्या डालोगे माइनस। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का आप कर सकते हो। जैसे और देखो, ये दोनों क्या है, सेम वेरिएबल है, ये एक्स है ये एक्स है, अगर इन दोनों में वेरिएबल में भी डिफरेंस आ जाए क्या डिफरेंस आ जाए, जैसे डी बाई डी टी कि टाइम के साथ उस बॉडी की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है, जैसे आ जाए टू टी स्क्वायर, ठीक है, हमें मल्टी स्क्वायर कर लेते हैं, टू का तो कुछ होना ही नहीं, हम उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अगर कर देंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप बताओ। तो ये टाइम, ये टर्म चेंज हो रही है किसके साथ, मीन्स इसको अलग कर, इसको एक्स कर देता हूँ, टी तो था एक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो ये पोजिशन चेंज हो रही है किसके साथ, टाइम के साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये दोनों के दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, अलग अलग वेरिएबल है, तो अलग अलग वेरिएबल को हम कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले तो वैसे डिफरेंशिएशन किसका होता है, पावर का, तो पावर आगे ले आओ, पावर आगे ले आएंगे तो टू मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर में क्या कर दो एक माइनस, तो टू माइनस वन क्या आएगा वन, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म क्या है एक्स, पावर का हो चुका है तो ओनली क्या हो सकता है एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या डी, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, 2x, dx over dt, dx over dt, ये differentiation आएगा, the differentiation of x square, ऐसे उड़ करके देखें जैसे, differentiation of, किसका, 3x cube, 3x cube का differentiation कितना आएगा, तो कैसे करोगे आप बताओ, method फिर वही है, यानी टाइम के साथ 3 भी चेंज नहीं होगा, तो 3 कर दो बाहर, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका, डी ओवर डीटी एक्स पावर 3, तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा बेटा इसका, 3 एज इट इज एक्स, एक्स की पावर क्या है 3, 3 आगे ले लो एक्स, एक्स की पावर क्या है 3 है, एक माइनस कर दो 3x स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई बाई मीन डिफरेंशिएशन अभी किसका है पावर, पावर का, अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डीटी,
तो डिफरेंशिएशन कितना है 3 × 3 9, तो दिस इज 9x² × dx/dt, ये डिफरेंशिएशन आएगा इसका 3x³ का, ठीक है। और देखो आगे, डी ओवर डी टी, दो तीन टर्म एक साथ जुड़ के आ जाए, जैसे 2 + 3t, ठीक है, दो टर्म है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो टर्म क्या है 2, तो 2 अकेले टर्म है, इसके साथ कोई टाइम, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये 2 चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा तो इस 2 का जो डिफरेंशिएशन हो क्या बन जाएगा 0। तो 2 हो 3 हो 1 हो कोई भी ऐसे टर्म हो जो टाइम के साथ किसी ये दे रखा है टाइम, ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन के साथ अगर ये चीज चेंज होती है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही किसी चीज की तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो हमेशा इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, 0। तो प्लस ओनली डिफरेंशिएशन किसका होगा 3t का, तो डी ओवर डी टी किसका बेटा 3t का, और आपको पता है 3 का तो होगा ही नहीं, 3 को कर दो बात, क्या बचेगा टी, तो टी, तो टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी हमने पहले पढ़ाया था, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना था 1, तो ये आ जाएगा 3, क्या आएगा 1, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा ओनली 3, ठीक है, 2 0 हो गया, 3t का कितना आएगा 3। और देखें जैसे ये आ जाए 3t + 2t² - 3t³, ऐसे ऐड हो गया, तो करना तरीका तो वही है सभी का। अब क्या करेंगे इसमें, 3 का एंजिट इज टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी 1 प्लस इसको क्या करते हैं 2 एज इट इज, अब कंटिन्यू करना सीख गए तो जल्दी बताए 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, इसके पावर में क्या कर दोगे माइनस, क्या बचेगा 1 माइनस 3 × 3 क्या हो जाएगा 9t, इसके पावर क्या होगी माइनस, क्या हो गया स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 3 + 4t - 9t² सेम वेरिएबल थे तो कोई परेशानी नहीं है, ये गेस का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कोई चेंज कर दूं कि भाई ये हो जाए x, ये भी हो जाए x, ये भी हो जाए x, अब क्या बनेगा इसका, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा 3 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये सीधा सा बन जाएगा d ओवर dt x ऑफ x प्लस इस पावर वन थी तो बात को सोना ही था पावर में, तो अब इसमें सेम इसको आगे करेंगे, तो 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले पावर आ गई 2, ठीक है, x x x की पावर क्या बनेगी 1, ठीक है, x की पावर 1 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा इसका dx/dt माइनस सेम ऐसे इसका 3 आ जाएगा, क्या आएगा 9 x, एक क्या कर दोगे माइनस, क्या हो जाए x स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dt, तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3 dx/dt × 3 dx/dt + 4 x dx/dt - 9 x² dx/dt, ये डिफरेंशिएशन होगा अगर इस टर्म से इस तरह से कोई टर्म आ जाए, तो आप देखो अलग अलग हमारे पास टर्म है तो इनको हम ऐसे कैसे रखते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसी टर्म का यूज करके हम करेंगे तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, थर्ड जो फंक्शन था हमारा मतलब जो सेकेंड फंक्शन था डिफरेंशिएशन ऑफ
लोब फंक्शंस, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स लोब एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है लोब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ठीक है। एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ये लोब लोब कर रहे ये लोब होंगी तो लोब का डिफरेंशिएशन जो ये टर्म रखी हुई उसको रेसिप्रोकल कर दो 1 बाई एक्स, एंड अगर इसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई होता तो हम उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करते हैं जैसे ये, तो लोब एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स और एक्स डी बाई डी एस ऑफ एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा ही है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाई एक्स, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 बाई एक्स। सेम ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ ये आ जाए log 2x, log 2x का डिफरेंशिएशन बताएं तो log 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सबसे पहले फिर वही बात कि log ये क्या मान लो x मान लेंगे पूरे को, तो लोग x का डिफरेंशिएशन बनेगा 1 बाई 2x, ठीक है। लोग x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? लोग 1 बाई x, और x की वैल्यू क्या है 2x, तो 1 बाई 2x। एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा? 2x का, 2x का तो कितना आएगा 1 बाई 2x d बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 का कुछ होता नहीं है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 2 कैंसिल, तो डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई x, log x का 1 बाई x, log 2x का भी 1 बाई x। ऐसे ही अगर कहते हैं log 5x, इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका क्या आएगा? इसका वही आंसर आएगा, क्योंकि log 5x मतलब क्या होगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ किसका 5x का, तो 5x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 5x, 5 का कुछ होगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा 1 बाई एक्स। तो इस तरह से अगर कोई भी टर्म यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगी, अब log nx हो गया, log nx जनरल log of nx, मतलब कोई भी टर्म आ जाए n के जगह इंटीजर नॉन इंटीजर कैसे वैल्यू आ जाते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 बाई nx एंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ nx, ये आएगा 1 बाई nx, और x का कितना आएगा 1, क्या हो जाएगा n, n से n कैंसिल, क्या आएगा 1 बाई x। इन टाइप का कोई भी डिफरेंशिएशन होगा उनका आंसर सीधा लिख देना कितना आएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। नेक्स्ट